नीचे ग्रुप में राहुल यादव जी का डॉक्टर श्री राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी सदस्यता को रद्द करना इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पदयात्रा हुई और जिस प्रकार का हजूम उस यात्रा में उमड़ा, उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों नेताओं द्वारा उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया गया है। मेरा ये मानना है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी एक समय लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था और उसके दो वर्ष बाद वो भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने विजय दिलाई थी। अभी चुनावों से पहले हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता का उन्होंने निलंबन किया है। मैं कह सकता हूं कि जनता जानती है और जनता महसूस भी कर रही है कि इस प्रकार के हथकंडों से राजनीतिक रोटियां तो कुछ समय के लिए सेकी जा सकती है, लेकिन जनता के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती है। आज राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के जनता के दिलों में जगह बना चुके हैं। संसद के रूम में सदस्यता रद्द होने को अगर बड़ी अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी मानती है तो ये उनकी गलतफहमी है। राहुल गांधी जी के लिए हिमाचल कांग्रेस, पूरा कांग्रेस पार्टी का विधायक दल उनके साथ खड़ा है। उन्हें हम एमपी के सदस्य के रूप में अपना नेता नहीं मानते थे, उन्हें हम कांग्रेस की विचारधारा का प्रतीक मानते थे, वो विचारधारा जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए उनके पिताजी ने बलिदान दिया, उनकी दादी ने बलिदान दिया, उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व और हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की विचारधारा का प्रतिनिधित्व श्री राहुल गांधी जी करते हैं। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा खत्म नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी और मजबूत होकर और हिंदुस्तान की जनता में और मजबूत होकर उभरेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी सदस्यता रद्द हुई है हिंदुस्तान का आवाम पूरी तरह से उसको जानता है। इस दृष्टि से उनकी सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या करना है और इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर ऐसी राजनीतिक रोटियां सेकना है ताकि वो निर्विरोध उनका कोई सामना ना कर सके, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, सदन में तो ये मुद्दा उठाने के लिए विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही थी और हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और आने वाले समय में हम जनता की अदालत में भी जिस प्रकार से उनकी सदस्यता रद्द हुई है हर कोने में जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पंजाब के लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको मिले हैं, क्या मुद्दा रहा है, क्योंकि वाटर सेस को लेकर क्या कुछ विवाद चल रहा है? नहीं, उन्होंने वाटर सेस के मामले में मुझसे बात की है और कहा है कि ये क्या मुद्दा है। मैंने उन्हें समझाया कि पंजाब में जो हमारा बहता पानी है उस पर कोई सेस नहीं लगा है, जितनी पंजाब की नहरें कोई सेस नहीं लगा है, जो भाखड़ा बांध में पानी बह रहा है कोई सेस नहीं लगा, जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट के डैम बने हैं उस डैम की हाइट के अनुसार हमने सेस लगाया है और इसमें कोई पंजाब के कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं है। एक शानन है जो कि मार्च 2024 में पूरा हो रहा है, उसके बाद पंजाब को कोई पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, हरियाणा को कोई पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। उस गलतफहमी को कि उन्हें कोई किसी प्रकार की सरकार को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं प्रदेश के पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा।
शानन प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए क्या वहाँ के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया? नहीं, मैंने शानन प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए 28/2/2023 को जो हमारे केंद्र के बिजली मंत्री है आरके सिंह जी, उनको पत्र लिखा है और हमने कहा है कि 99 साल की लीज पूरी हो रही है, अब इस शानन प्रोजेक्ट को हिमाचल के लोगों को सौंप दीजिए। उस पर मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर से भी मुलाकात की थी। हमने पहले ही कहा है कि हम अपने आय के स्रोत बढ़ाना चाहते हैं। हमारा प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम विकास कार्य रोकेंगे, लेकिन जो सच्चाई है कि हम अपनी हिमाचल की जनता को हमेशा के लिए कर्ज के बोझ के नीचे नहीं दबा के रखना चाहते हैं। इसलिए हमारा ध्यान, इस सरकार का ध्यान आय के स्रोत बढ़ाना है और बिजली ही हमारा मुख्य स्रोत होगी जो आय के स्रोत बढ़ाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।